Hi guys, welcome to my channel Being Shaps. और guys बताना चाहूँगा कि आज मैं कुछ और नई tech updates के साथ आया हूँ आप सभी के बीच में. और guys video शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी video पसंद आए तो please subscribe और share करना guys मत भूलिएगा. तो चलिए video शुरू करते हैं. गाइज वीडियो शुरू करते हैं और आज से मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक पोल पूछा था जिसमें से मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग पे रिलाई करते हैं या नहीं. तो आप में से 33% लोगों ने बोला है हाँ वही वो करते हैं, 33% लोगों ने ही बोला है कि वो नहीं करते हैं, और बाकी बचे लोगों ने कहा है कि हाँ भाई हम भी कभी कभार कर लेते हैं. तो गाइज पहला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है गाइस एप्पल की तरफ से. और गाइस आने वाले टाइम में आप अगर एप्पल वॉच पहनते हैं या यूज़ करते हैं और एक मूवी लवर हैं तो गाइस आप घड़ी से ही अपनी सारे जो अपनी जो मूवी टिकट्स हैं वो आप बुक कर सकते हैं. सारे जो उनके टाइम्स हैं या फिर जो भी प्राइस हैं वो आप अपनी वॉच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एप्पल की. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, बस घड़ी पहनी है और मूवी बुक करी. बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो अगला अपडेट आ रहा है गाइस चंद्रयान 2 की तरफ से. गाइस जी हाँ गाइस, इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि वो चंद्रयान 2 लॉन्च कर रहे हैं. 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये जो है उड़ान भरेगा चंद्रयान 2 मून की तरफ. और बताया जा रहा है कि 6 सितंबर को ये सक्सेसफुली जो है वो लैंड करेगा मून के ऊपर. तो ऐसे में देखते हैं कि ये सक्सेसफुली लॉन्च होता है और सक्सेसफुली लैंड होता है तो बहुत ही एक अच्छी बात है और एक प्राउड फीलिंग है. बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो आ रहा है BSNL की तरफ से गाइस. जी हाँ गाइस, एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब BSNL ने भी जो 10 रुपये और 20 रुपये के जो रिचार्ज होते थे वो अब रिमूव कर दिए. हालाँकि वो फिज़िकल वाउचर्स अभी भी बेच रहे हैं, बट ऑनलाइन अगर आप 10 रुपये या 20 रुपये का करते थे तो वो बंद हो गया है. हालांकि अगर मैं बात करूं एयरटेल या वोडाफोन की तो काफ़ी पहले ही हो गया था ये, तो पर BSNL ने भी अब ये बंद कर दिए. ऐसे में आप बताइएगा कि क्या आप अभी भी रिचार्ज कराते हैं 10 रुपये 20 रुपये? तो ऐसे में तो टॉक टाइम भी बहुत कम मिलता है. खैर बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो अगला अपडेट जो आ रहा है, बात करें अगले अपडेट की गाइस, तो आ रहा है एप्पल की तरफ से. हाँ गाइस, सुनने में आया कि एप्पल ने बताया है, टिम कुक ने अनाउंस कर दिए CEO ने उनके, कि भैया इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है एप्पल के फ़ोन बिकते हैं. और ऐसे में अब वो अपने रिटेल स्टोर्स लेकर आ रहे हैं एप्पल में, ताकि जो इंडिया के लोगों को है वो कम प्राइस में थोड़ा सा फ़ोन मिले, क्योंकि काफ़ी हाई हो जाता है इसका प्राइस एज़ कम्पेयर टू US के. अगर हम बात करें उनकी करेंसी में तो यहाँ के हिसाब से बहुत ही महंगा पड़ जाता है फ़ोन, और लाइक आउट ऑफ बजट भी हो जाता है. तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे में अगर रिटेल स्टोर्स आ जाते हैं एप्पल के तो फ़ोन में भी जो प्राइसिंग में है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा गाइस. बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो आ रहा है टिकटॉक की तरफ से गाइस. और ऐसे में टिकटॉक ने जो अब दोबारा जो प्ले स्टोर पे और गूगल पे आपको मिल रही है तो एक न्यू डिवाइस मैनेजमेंट के साथ मिल रही है, जिसमें कि आप अगर कोई भी कोई भी फ्रॉड या कोई ऐसी मोमेंट होती है तो वो डिवाइस मैनेज करेगा उसको एक्टिविटी को, और उस एक्टिविटी को आगे फैलने नहीं देगा. तो ऐसे में टिकटॉक का बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि वो इस मोमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से, जो उनको एक धक्का मिला था तो उसके बाद वो एक सही तरीके से ऐप को चला रहे हैं. और आई होप ये ऐसे ही चलती रहे और लोगों का इन्जॉयमेंट होता रहे. तो गाइज आज की वीडियोस की अपडेट यही हैं, और आई होप आपको ये वीडियोस जो है मेरी पसंद आए हो. और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, इट्स गुड बाय.